सबसे पहले शुरुआत करेंगे इरेडा लिमिटेड के बारे में। सो इरेडा लिमिटेड की बात करें तो लगभग 240 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में हमें एक अच्छे खासी गिरावट देखने को मिल रहा है। जैसे कि पिछले 5 दिनों की बात करें तो 5 दिन में 3.5% डाउन, 1 मंथ में 6.5% डाउन। बट अगर आप एग्जैक्टली टॉप लेवल से देखोगे तो टॉप से ये गिरावट 11 से लेकर आपको 12% तक देखने को मिलेगा, जो कि ये भी एक रफली गिरावट है। अगर आप एग्जैक्ट प्रॉपर देखोगे तो उसने जो 3.10 के जो टॉप लेवल अचीव किया था उस लेवल से कैलकुलेट करोगे तो तब ये गिरावट आपको 11 नहीं आपको 20% तक देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ही डिसेंट गिरावट है। सो इरेडर लिमिटेड की बात करें, अभी अभी लिस्टिंग हुआ 2023 नवंबर के आसपास, तो तब से लेकर अभी तक मतलब 1 साल भी कंप्लीट हुआ नहीं लिस्टिंग के हिसाब से, तो अब तब से लेकर अभी तक नेट नेट अभी भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट है, 300% के प्रॉफिट। बट हाँ, जिन्होंने रैली को देख के स्टॉक को टॉप पे खरीदे एकदम, उनके लिए थोड़े बहुत हमें नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। सो इरेडर लिमिटेड की बात करें तो कंपनी की बात करें तो कंपनी तो बिजनेस भाई बहुत ही कमाल की, और जिस प्रकार के अनाउंसमेंट हमें मैनेजमेंट के साइड से देखने को मिल रहे हैं, जो हाल ही में 4 दिन पहले जो कंपनी के मैनेजमेंट के साइड से जो हमें अनाउंसमेंट देखने को मिला कि कंपनी प्लान कर रहे हैं कि वो फॉर्म करेंगे अपने सब्सिडियरी, जिनके जरिए वो हेल्प करेंगे फाइनेंस स्मॉल बिजनेसेस को एंड रिटेल कस्टमर को, क्योंकि अभी तक ही कंपनी बड़े बड़े कंपनी को अपने फाइनेंस प्रोवाइड करते थे, बट अभी इनका टारगेट है स्मॉल बिजनेसेस और हमें कुछ हद तक रिटेल कस्टमर भी देखने को मिले, जो कि कंपनी के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। इसी के चलते कंपनी फिर से प्लान कर रहे हैं कि आने वाले 2025 में कैलेंडर ईयर में वो फिर से आपको 4,500 से लेकर 5,000 करोड़ तक आपको फंड रेज करते देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का रीजन का प्लान ही ये है कि जितने जिस प्रकार के हमें डिमांड देखने को मिल रहा है इस रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में, उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट इस प्रकार के लगातार हमें फंड रेज करते देखने को मिल रहा है। इस प्रकार के सेक्टर है तो अभी मतलब अभी भी आने वाले टाइम में इसमें और भी जबरदस्त ग्रोथ आना बाकी है, क्योंकि आपको पता है सरकार का जो टारगेट है, जो पहला टारगेट है, क्योंकि जिस प्रकार के हमें टारगेट देखने को मिल रहा है कि 50% की इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करना है नॉन फॉसिल फ्यूल से, यानी कि वही क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी से आने वाले बाय 2030 तक, तो अगर इसी टारगेट को अचीव करना है तो फिलहाल करंट देखा जाए तो 200 हमें शायद से गीगावाट देखने को मिल रहा है, और टारगेट लेके चल रहे 500 गीगावाट अचीव करने के लिए, जो कि अभी भी बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ तक आपको अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है तो डेफिनेटली इसके लिए आने वाले टाइम में इन सेक्टर में और भी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हमें आते देखने को मिल सकता है, और जिनके चलते आप ऐसा बोल सकते हो कि अभी तक इस कंपनी ने जो इस प्रकार के प्रॉफिट दिए, मतलब शुरुआत से लेकर अभी तक देखा जाए फिर भी बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दिया, बट ये परफॉर्मेंस बहुत ही कम है, आने वाले टाइम में इस कंपनी में आपको और भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। किसी के पास अगर ये स्टॉक है तो चाहो तो लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हो, लंबी अवधि में कंपनी आगे आपको यहाँ से बहुत बड़ी कंपनी आपको बनते देखने को मिल सकते, क्योंकि ये जो सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अभी जस्ट स्टार्ट हुए, आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल इन सेक्टर के लिए बहुत ही कमाल के रहने वाला, और इन सेक्टर से जो भी कंपनी बिजनेस करता है सभी कंपनी में आपको बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस भी देखने को मिल सकता है। तो इरेडा लिमिटेड की बात करें तो अभी जस्ट ये स्टार्ट हुआ है, 1 साल भी कंप्लीट हुआ नहीं, बट आने वाले कुछ साल तक ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी आपको बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो किसी के पास है तो आप जरूर चाहो तो लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हो। ये जो गिरावट है एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही नॉर्मल गिरावट है, इससे पहले भी स्टॉक यहाँ पे गिरा था, यहाँ पे तो इससे भी बड़ी गिरावट दिखा था, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी आगे आपको जरूर कम बैक करते देखने को मिल सकता है। अच्छी कंपनी आप जरूर चाहो तो इसके साथ बने रह सकते हो। और बाकी इसके टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल के हिसाब से स्टॉक जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 250, तो फिलहाल तो स्टॉक उसके नीचे है, तो जब तक इसके नीचे है स्टॉक में एक बेयरिश मोमेंटम बना हुआ, क्योंकि कभी भी अगर बाजार में अच्छे खासे प्रेशर आता है तो यहाँ से और भी एक अच्छे खासी गिरावट आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो एमटा टेक्नोलॉजी। सो एमटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस स्टॉक में भी लगातार काफी दिनों से हमें एक तरफा सिर्फ गिरावट ही देखने को मिल रहा है। अगर हम फ्राइडे के दिन की बात करें तो फ्राइडे के दिन बाजार में इतने जबरदस्त रैली होने के बाद स्टॉक में हमें गिरावट ही देखने को मिला, 101% की गिरावट, 5 दिन में 7%, 1 मंथ में 12% डाउन, 6 मंथ में 12% डाउन, साल भर में देखोगे रफली 24% डाउन। बराबर आप टॉप लेवल से देखो तो टॉप लेवल से ऑलमोस्ट 40% डाउन, और बीच बीच में इस प्रकार के हमें कमबैक जरूर देखने को मिलता है, बट इम्पॉर्टेंट चीज उस रैली को सस्टेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, और उस रैली को अगर सस्टेन रखना है उस तेजी को तो उसके लिए कंपनी के फंडामेंटल की कंपनी के नंबर अच्छे होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि कंपनी के इस बार के जो क्वार्टर वन के नंबर है तो वो नंबर किस प्रकार के हमें नंबर देखने को, कंपनी के नेट प्रॉफिट में
80% का फॉल देखने को मिला। मतलब तभी इसी के जैसे स्टॉक एक ही दिन में 6-6% गिरा। मतलब स्टॉक टॉप से इतने ज्यादा डाउन होने के बाद भी स्टॉक में हमें और भी गिरावट देखने को मिला। जो कि एक चीज मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब तक कंपनी के नंबर खराब आते रहेंगे तो स्टॉक कितना भी गिरावट क्यों ना हो तभी भी आपको स्टॉक में एक तरफा गिरावट ही देखने को मिलेगा। बट इसी नंबर के बाद एक चीज अच्छी है जो कि मैनेजमेंट की जो कॉमेंट्री है वो कॉमेंट्री हमें थोड़ी बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहा है कि आने वाले जो क्वार्टर टू के नंबर है उस नंबर से कंपनी उस क्वार्टर टू से कंपनी के नंबर में हमें एक अच्छे खासे रिकवरी देखने को मिल सकता है। और उसके पीछे का रीजन है जो ऑर्डर बुक हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है वो लगभग 900 करोड़ के आसपास, और आने वाले टाइम एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि और भी अच्छे खासे ऑर्डर कंपनी को मिल सकता है क्लीन एनर्जी से। और कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जो कि वो आपको एग्जीक्यूट करते देखने को मिल सकता है इसी फिजिकल ईयर में, जिनके चलते वो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो आने वाले नेक्स्ट नंबर रहेंगे क्वार्टर टू इसी फिजिकल ईयर में, तो वो नंबर आपको थोड़े बहुत ही सबसे हाईएस्ट नंबर हो सकता है कि इनकम के हिसाब से। और बाकी जो क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर वो नंबर आपको और भी बेहतर देखने को मिल सकता है, जो कि आप देख सकते हो कि मेंशन भी है कि जो कंपनी के सेकेंड हाफ रहने वाले हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ के कंपेयर में। यानी कि अभी तक जो हमने इस फाइनेंशियल में जो कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर देखने को मिला, तो मैनेजमेंट के मानना है कि क्वार्टर वन के नंबर एमटा टेक्नोलॉजी के सबसे खराब नंबर थे। इसके बाद जितने भी कंपनी के नंबर आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर सभी नंबर आपको एक कमबैक वाले देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी कॉमेंट्री तो जरूर है। बट आपको बताइए जो कंपनी के मैनेजमेंट है इससे पहले भी इस प्रकार की पॉजिटिव गाइडेंस बहुत बार दे चुका है और बाद में उस गाइडेंस को वो दोबारा रिवाइज कर भी देता है, और इसी के चलते स्टॉक में तेजी जरूर आता है बट वो तेजी हमें टिकते हुए देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। और इसी के चलते जब से शुरुआत हुआ तब से लेकर अभी तक नेट सिर्फ 68% प्रॉफिट, वो भी तीन साल में। तेजी तो इस स्टॉक में भी बीच में इस प्रकार के 150-200% के आते हैं, और तेजी आना और तेजी सस्टेन होना और आगे और भी ये तेजी कंटिन्यू होना उसके लिए कंपनी के नंबर अच्छे होना चाहिए, जो कि फिलहाल काफी टाइम से कंपनी के नंबर तो बिल्कुल भी इम्प्रेसिव है नहीं। इसी के चलते स्टॉक में तेजी आता है, मतलब मार्केट टॉप पे जा रहा है एक तरफा, बट ये स्टॉक एक तरफा नीचे और नीचे आ रहे हैं। सो एमटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैनेजमेंट के कॉमेंट्री के साथ साथ टेक्निकल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो कि फिलहाल तो इसमें 1700 के नीचे क्लोजिंग दिया। अगर मार्केट में प्रेशर रहा तो ये स्टॉक एक बार आपको 1500 तक भी आते देखने को मिल सकता है। तो किसी को रिस्क लेना है, किसी को कंपनी अच्छी लगती है, तो नंबर कंपनी के आगे नंबर बहुत खराब थे तभी तो स्टॉक में अभी तक गिरावट देखने को मिल रहा है, बट मैनेजमेंट के मानना है कि नेक्स्ट क्वार्टर टू से कंपनी के नंबर में बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है और आप रिस्क लेना चाहते हो तो थोड़े बहुत क्वांटिटी से जाओ तो अपना शुरुआत करके जा सकते हो, अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो हैप्पीएस्ट मैन टेक्नोलॉजी। सो हैप्पीएस्ट मैन की बात करें तो इसकी भी परफॉर्मेंस हमें उसी प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। हाँ, फ्राइडे के दिन देखोगे तो पूरे बाजार में तेजी था, इसलिए इन स्टॉक में भी हमें लगभग 2% की तेजी देखने को मिला था। बट बाकी अगर आप थोड़े इसके और परफॉर्मेंस को देखो, एक मंथ में ये भी लगभग 7.5% डाउन, साल भर में 15%, और मैक्सिमम की बात करें तो आज भी नेट 113% की प्रॉफिट है। बट ये प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं के पास है जिन्होंने एकदम बॉटम पे खरीदा, बट किसी ने यहाँ पे खरीदा उसके बाद तो स्टॉक पिछले 3 साल से एक तरफा से नीचे जा रहे हैं। मतलब मार्केट 3 साल में निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बट ये स्टॉक भी 3 साल में टॉप लेवल से कहाँ पहुंच गए, और लगातार स्टॉक में एक तरफा हमें गिरावट ही देखने को मिल रहा है। और कंपनी के इस बार के भी जो हमें नंबर देखने को मिला क्वार्टर वन के, वो नंबर भी कुछ खास नहीं थे, एक डिसअपॉइंटिंग वाले थे, जिनके चलते स्टॉक में हमें और भी इस प्रकार के प्रेशर देखने को मिल रहे हैं। सो हैप्पीएस्ट मैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल गया है। तो अपडेट की बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का मानना है उन्होंने जो हैप्पीएस्ट मैन के FY25 के जो गाइडेंस है उस गाइडेंस को उन्होंने थोड़े से ट्रिम कर दिया, थोड़े से कट कर दिया, बट जो इनके इनऑर्गेनिक ग्रोथ है तो उस इनऑर्गेनिक ग्रोथ में हमें एक अच्छे खासे परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है इस FY25 में। उसके पीछे का रीजन है कि थ्रू एक्विजिशन ऑफ फ्यू सॉफ्ट टेक्नोलॉजी एंड जो हाल ही में जो कंपनी इस पर आकर 2-3 कंपनी को एक्वायर किया, तो इनके चलते कंपनी के इनऑर्गेनिक ग्रोथ में हमें एक अच्छे खासे परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। पर कंपनी की जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, जो कंपनी के मेन ग्रोथ है, उस ग्रोथ में कंपनी के हमें एक डाउनग्रेड वाले नंबर देखने को मिलेगा, जो नंबर कंपनी अभी तक दिखाते आ रही है। बट मैनेजमेंट के मानना है कि पहले जो उन्होंने गाइडेंस दिया था FY25 को लेके कि उनके जो ग्रोथ रहने वाले इनकम में 35-40%, जो मार्जिन रहने वाले 22-24%, उस गाइडेंस को दोबारा कंपनी के मैनेजमेंट ने मेंटेन रखा। इसी गाइडेंस के हिसाब से हम परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल तो FY25 के जो शुरुआत के नंबर थे क्वार्टर वन के, वो तो हमें हमेशा के जैसा इस बार भी डिसअपॉइंटिंग देखने को मिला।
तो जो आने वाले ने और जो 3 क्वार्टर रहने वाले FY25 के, Q2, Q3, Q4, तो वो नंबर किस प्रकार के रहेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। तो देखते हैं कंपनी के आने वाले नेक्स्ट बाकी क्वार्टर के नंबर किस प्रकार के आते हैं। और बाकी मोमेंटम की बात करें तो जिस मोमेंटम पे स्टॉक अटका हुआ है 750 के, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंटम के ऊपर, अभी तो बाजार टॉप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे इसलिए ठीक है, क्योंकि अगर बाजार में कभी प्रेशर आए तो शायद से ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक डाउन देके स्टॉक में यहाँ से और भी एक बहुत मतलब यहाँ से और भी जबरदस्त गिरावट स्टॉक में आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी, अगर हम फ्राइडे के दिन की बात करें तो इस स्टॉक में एक फ्लैटिश परफॉर्मेंस, बाकी अगर आप इसके लंबे परफॉर्मेंस को देखोगे 5-5 साल में तो इस स्टॉक ने भी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, 200% की तेजी, और स्टॉक नियर बाय हमें टॉप पे देखने को मिल रहा है। और इसी तेजी के साथ साथ हाल ही में कंपनी के मैनेजमेंट ने 1:5 का स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया, तो जिसके पास है उनके लिए अच्छी बात है, बट जिसके पास है नहीं तो बोनस और स्प्लिट के चलते किसी भी स्टॉक में जाने की जरूरत है नहीं, अच्छी कंपनी के साथ बने रहोगे तो इस प्रकार के बोनस स्प्लिट आपको अच्छे स्टॉक में भी फ्यूचर में देखने को मिल सकते।